मनीषा को भी बोल रहे कि थोड़ा हिम्मत रखो, खाना पीना खाओ अच्छा से, तब ना अच्छा। और अभी हम जाएंगे, अभी भी तो फ़ोन किया था रोहित को, तो बोला ब्लड अभी लेके फिर डॉक्टर गया है, तो हम कैसे हो कमेंट करके बताइएगा। अभी हम शाम में ब्लॉग स्टार्ट किए, सुबह में हम गए थे मनीषा के पास हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर पाए ना मनीषा से, आप लोगों को मतलब मनीषा से ना बात करा पाए, क्योंकि मनीषा सोई हुई थी और जहाँ पे मनीषा और जुक को जो बेड में दिया हुआ है ना, उसके जस्ट बगल में ही मतलब हम लोग की यहाँ रहती एक भाभी, तो उनका भी मतलब पेट में पत्थर हो गया तो ऑपरेशन होगा उनका, तो उनको भी वो बेड में दिया हुआ है। तो उनका घर का ना बहुत सारे लोग आए थे और जान पहचान है, तो उस कारण मेरा वहाँ पे ब्लॉगिंग करना नहीं हुआ था। मतलब आमना सामना अगल बगल के आदमी लोग सारे लोग थे ना, तो फिर उनके सामने ऐसा वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा मेरे को, तो इसलिए हम नहीं बनाए। सुबह में हम गए थे, नाश्ता वास्ता करा के उसको ड्रेस चेंज करा दिए थे, नाइटी दूसरा पहना दिए, उसके बाद कंघी उंगी करके उसको पूरा सर में नारियल के लगा के अच्छा से चोटी उटी करके, और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आए फिर हम गए आपका 2 बजे गए खिचड़ी लेके, खिचड़ी तो हम सुबह ही बना लिए थे, फिर खिचड़ी लेके 2 बजे गए, और उसके बाद फिर हम रोहित को घर भेजे कि तुम जाओ नहावा के, क्योंकि वो भी कल से वही कपड़ा में था, वो भी नहाया नहीं था, तो उसको फिर हम घर भेजे। हम पानी बाहर में रख के गए थे, वो नहावा के वो भी खाओ के, फिर हम बोले तुम हम फ़ोन करेंगे तो आना है ना, तो कि बस शाम में आना। तो लड्डू नहीं रह रहा था वहाँ पे, उसको बंदी हॉस्पिटल में लग रहा था, तो वहाँ रहने नहीं खोज रहा था, तो उसको फिर हम बहुत देरी वहाँ पे थे, मनीषा को खाना वाना खिला के, उसके बाद उसका सर थोड़ा दबा उबा के हम फिर रोहित को फ़ोन किए कि तुम आओ, लड्डू यहाँ रहने नहीं खोज रहा है, बच्चा है ना यहाँ पर खुला जगह में वो खेल रहा है, पीहू के साथ, पीहू भी है तो उसको अच्छा लग रहा है। सुबह पीहू को भी हम लेके गए थे हॉस्पिटल, मेरा इतना बड़ा गलती हुआ ना कि हम बच्चे लोग को हॉस्पिटल को लेके जाना नहीं चाहिए था, और पीहू को भी लेके गए थे, पीहू को भी देखिए ना पूरा फीवर आ गया, इतना पूरा अभी पूरा तेज बढ़ गया फीवर, क्या हो रहा पता नहीं, मेरा घर में किसका नज़र लग गया, क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अब पूरा तेज फीवर बढ़ गया, तो बाबू उसको कपड़ा ठंडा पानी दे के सर में कपड़ा दे रहे हैं, अभी उसको भी थोड़ा सा दूध सूजी बना के उसको खिलाए और दवाई खाई, थोड़ा सा ही खाई, खाने के उसको मन नहीं कर रहा, खाने नहीं खोज रही है, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह से ठीक थी, अभी शाम में उसका अचानक से पूरा बॉडी आगी जैसा गर्म हो गया है, तो इसलिए बाबू उसको सर में कपड़ा दे दे के रखे हैं, और दवाई भी है नहीं, उसको भी जाके डॉक्टर दिखाना होगा, लेके जाएंगे। अभी लड्डू को हम सूजी खिला रहे हैं, यहाँ पे सूजी रखा हुआ है देखिए ना, उसको हम सूजी खिला रहे, 2-3 चम्मच खिलाए, उसके बाद वो खाने ही नहीं खोज रहा है, खाली खेलेगा। हाँ, इसका पेट भरा रहने से क्या होता है ना, आराम से खेलते रहता है, किसी को परेशान नहीं करता है, और अभी खाने को खोज रहा नहीं है। शाम में बिस्किट उस्किट खिलाए थे क्या? शाम में बिस्किट खिलाए है बाबू, शाम में बिस्किट खिला दिए थे। हाँ, सूजी भारी चीज़ है ना, बच्चे लोगों को ज़्यादा भी मतलब अच्छा है देना, लेकिन खा ले अभी पेट भर को खा लेने से क्या ना, आराम से हो फिर रात को सोएगा, परेशान नहीं करेगा, ऐसे नहीं करता बेटा, बुखार आता है ऐसा करने से बुबू आता है बेटा, ऐसा नहीं करता। और हम भी ना जानते ठीक से सो रहे नहीं है, 6 दिन हो रहे हैं भाई का भी, उसका तो अलग ही टेंशन था, उसका लेके तो सो ही नहीं रहते, और नींद आ ही नहीं रहा था, आँख में मतलब परछाई आ रहा था, ऊपर से मनीषा का भी कल ऐसा हुआ। हाँ, 2-2 बच्चा संभालना, घर देखना, अकेले क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एकदम पूरा सर मेरा ना दर्द से फटा जा रहा है, इतना सर दर्द दे रहा है, क्या बोलेंगे, पूरा मेरे को अपने देखिए ना आप लोग कैसे हम दिख रहे, कितना कमज़ोर हो गया अंदर से हम, मेरा भी अचानक से पूरा सर मतलब घूमने जैसे बैठ के उठ रहे हैं ना, पूरा मेरा भी सर घूम रहा है, सर चकरा रहा है, लेकिन क्या करेंगे हम, किसी को बताते नहीं है ना, किसी को ये करते हैं, अपने हिम्मत रखते हैं, खाना पीना खा के अच्छा से रहते हैं, अगर हम भी कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, और हम कमज़ोर हो जाएंगे ना, और फिर बाबू को जानते हैं ना मेरे हस्बैंड, वो तो पूरा मतलब डर जाएंगे, और मेरा हम देखते हैं ना हंसते हंसते रहते हैं तो ठीक रहता है, और हम फिर मतलब बिस्तर में पड़ जाने से फिर उसका दिक्कत हो जाएगा, तो सब तरफ देख के चलना पड़ता है। हाँ, 2-2 बच्चा अभी संभालना, घर देखना, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अब कोई है भी नहीं, मुसीबत का टाइम है ना, काम का टाइम है, कोई रहता नहीं यार, ऐसे टाइम में सब रहता है, जानते हैं,
और अभी मुसीबत का समय, दिक्कत का टाइम है ना, कोई नहीं है यहाँ, ना बच्चा संभालने वाला कोई है, ना कोई देखने वाला है, कोई नहीं है, अकेले मेरे को सब कुछ करना पड़ रहा है, क्या करेंगे। हॉस्पिटल जाओ, घर में आओ, खाना बनाओ, बच्चा देखो, फिर हॉस्पिटल में खाना पहुँचा के आओ, इतना दिक्कत हो रहा है, आग जो करेंगे पता नहीं, पता नहीं। अभी देखिए, अभी तो मनीषा को फ़ोन किए थे, वो भी खाना वाना खाने नहीं, खा नहीं रही है। अभी उसको बोले तुम ऐसा परेशानी करेगी तो फिर कैसे चलेगा, खाना वाना तो खाना होगा ना, खाना वाना खाएगी तब ना ठीक होगी, दवाई खाएगी, खाना वाना वो भी नहीं खा रही है। खिला दे दूध बिस्कुट, हाँ उसको पूरा तेज फीवर आ गया है। हॉस्पिटल सुबह लेके गया था ना उसको, अरे जाएगा जाएगा, अपने हो रहा है, बोल रहा नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं, हम भी जाएगा मासी को देखने, हम भी जाएगा मासी को देखने। अभी पूरा तेज बुखार आ गया उसको भी, दवाई दिया नहीं है, जाएगा मेडिकल से लेगा दवाई। तो सूजी खिला दिया, सूजी नहीं, ये भी तो 2-3 चम्मच खाया, रोए जा रहा है, खा रहा नहीं है। उसको मनीषा को छुट्टी नहीं दिया है? नहीं, अभी अभी तो फोन किया था, ब्लड फिर लिया, कल भी ब्लड लिया और आज भी ब्लड लिया, अभी तक बोलेंगे। मनीषा को भी बोल रहे कि थोड़ा हिम्मत रखो, खाना पीना खाओ अच्छा से, तब ना अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा, अरे अच्छा नहीं लग रहा बोलने से नहीं ना होगा, खाना पीना तुमको खाना होगा ना, हम तो सब सारा कुछ लेके जा रहे हैं, खिला रहे हैं, सुबह में मिक्स वाला फ्रूट जूस भी उसको जाके दिए, वो भी आधा पी, पूरा नहीं पी, उल्टी लग रहा, उल्टी लग रहा है, तो ऐसा करने से नहीं होगा ना, छोटा बच्चा भी हम कहाँ कहाँ देखे हैं, कितना संभालेंगे, किसको किसको देखे बताइए ना। मेरे 6 दिन से नींद नहीं हुआ पूरा, हम 6 दिन से सोए नहीं है ठीक से, मेरा सर दर्द से क्या हो रहा हमको पता है, थोड़ा सा आँख लग रहा सो रहे ना, तो एक कभी परेशान कर रही, कभी ये परेशान कर रहा, ऐसा कर रहा है, समझ रही नहीं है। खाना पीना उसको बोल रहे अच्छा से खा, तो भी नहीं खा रही, अभी हम जाएंगे फिर हॉस्पिटल, देखते हैं क्या बोल रहे, देखिए उतरने कैसे खोज रहा है, गिरेगा गिर जाए, बोल रहा गिरेगा, देख अच्छा अच्छा, रोना नहीं है, रोना नहीं है, देख रहा खाएगा तो खिला उसको, खाने नहीं खोज रहा है, बिस्कुट खाया, फिर ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा जानते हैं, लेकिन आप लोग भी बहुत सारे, आप लोग भी कमेंट कर रहे कि दीदी सारा कुछ बताते रहिए, हम क्या है नहीं है नोटिफिकेशन देते रहिए, तो बस आप लोगों के लिए हम ये सब कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम मतलब ब्लॉगिंग बंद कर रहे हैं, तो हमको ना वो भी करने, कैमरा में देख रहे हैं ना मेरा आँख ना दर्द दे रहा है, ब्लॉगिंग मतलब लाइट का रोशनी फिर मोबाइल का रोशनी ये सब पड़ रहा है, मेरा आँख दोनों दर्द कर रहा है, मतलब देखा नहीं जा रहा है लाइटिंग मेरे से आँख में, इतना आँख दर्द हो रहा है, लेकिन आप लोगों को भी सारा कुछ बताना तो ज़रूरी है ना, आप लोगों से कैसे हर कोई चीज़ छुपाएंगे, इसीलिए आप लोगों को हम अभी शाम में ब्लॉग स्टार्ट किया, अभी हम सुबह में गए थे तो ब्लॉग नहीं हुआ था मेरे वहाँ, क्योंकि घर का बगल का वो भी कोई एडमिट है, भीड़ भाड़ था, बोल के हम नहीं किए, और अभी हम जाएंगे, अभी तो फ़ोन किया था रोहित को, तो बोला ब्लड अभी लेके फिर डॉक्टर गया है, तो हम बोले कुछ बताया डॉक्टर रिपोर्ट उपोर्ट कुछ, तो बोले नहीं अभी तो कुछ ऐसा नहीं बोले, तभी हॉल शांत रहेगा खाली रहेगा, तो आप लोगों से हम उनको बात कराएंगे, मनीषा को जैसा भी होगा जो भी होगा, तो हम पहले लड्डू को खिला देते हैं, और पीयू के लिए हमको पहले दवाई लेना है, पीयू को भी तो हम क्या, मेरा ना सर फटा जा रहा है, ऊपर दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं पुराना वाला दवाई देंगे पीयू को, पुराना वाला दवाई है वही वाला बोलते खिला देंगे, बोले देखते आज खिला के पीयू को, पुराना वाला दवाई है पैरासीटामोल यहाँ पे, अच्छा ये अरे क्या पैरासीटामोल ये वाला पुराना वाला दवाई है, तो ये वाला अभी देख लेते आज खिला के कैसा है, फिर उसको फिर कल अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कल फिर उसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। चलिए हम देखते जैसा होगा आप लोगों को हम बताएंगे, हम लड्डू को पहले खिला लेते हैं, खा रहा है देखिए, खा रहा है और खा रहा है, लेकिन मुंह में उंगली घुसा के निकाल दे रहा है, नहीं निकालेगा, एक दो रुक के तो हम जैसा होगा आप लोगों को हम बताएंगे फ्रेंड, हम जा रहे हैं उसको खिला के हम हॉस्पिटल निकलेंगे।